सेना भर्ती की जो नई स्कीम है अग्निपथ स्कीम, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त जो बड़ी खबर है, सायरन बज रहा है, वो है सेना भर्ती स्कीम को लेकर। और ये तस्वीर आप देखिए, छपरा में अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ा बवाल हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज में, प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर, ये छपरा की है। और ये तस्वीर जो है, ये बताया जा रहा है कि इंटरसिटी ट्रेन थी, उसमें आग लगा दी गई है छपरा में। अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ा बवाल हुआ है और इससे यहां पर आग लगा दी गई है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ कैमूर में भी आग लगा दी गई है, छपरा में ट्रेन में आग लगाई गई है, कैमूर में ट्रेन में आग लगा दी गई है। तो दो अलग अलग जगह जहां पर ट्रेन में आग लगा दी गई है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा देखिए तस्वीरें, धू धू करके यहां पर ट्रेन जो है वो जलती हुई नजर आ रही है। चाहे आप कैमूर की बात करेंगे तो यहां पर भी ट्रेन में आग लगाई गई है, और अगर आप छपरा की बात करेंगे तो यहां पर भी ट्रेन में आग लगा दी गई है। बड़ी संख्या में यहां पर जो भर्ती परीक्षार्थी थे वो पहुंचे थे, हाथों में बैनर पोस्टर थे, आग के हवाले कर दिया। इधर देखिए, ये तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर छपरा में ट्रेन में आग लगाने की है, दूसरी तस्वीर ट्रेन में आगजनी की है कैमूर में, और तीसरी तस्वीर जो है वो आरा में प्लेटफॉर्म पर मची लूटपाट को लेकर है। ये तीनों तस्वीरें जो है अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। एक सवाल ये पूछती है कि ठीक है, आप 4 साल के लिए राष्ट्र सेवा पथ पर, अग्निपथ पर नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? आप देश की सेना में अगर लॉन्ग टर्म सेवा देना चाहते हैं तो भी क्या सरकारी संपत्तियों को यह नुकसान पहुंचाना चाहिए? सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, यूं तो अग्निपथ योजना का विरोध कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन जो तस्वीरें बिहार से आ रही हैं, जो यहां बिहार में आंदोलन या उग्रता कहे नजर आ रहा है, वो बाकी जगह से नजर नहीं आ रहा। जरा एक बार आज तक के दर्शकों को बताइए, बिहार में कहां कहां से क्या क्या तस्वीरें आई, क्योंकि बहुत ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों से। देखिए, बिहार में इसलिए सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ के जवान जो हैं, वो सेना में लगातार भर्ती होने के लिए भर्ती होते भी हैं, उसके लिए प्रयास भी जारी रखते हैं। और पिछले 3 वर्षों से आप जब वैकेंसी नहीं निकालेंगे और लड़के जो हैं वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ कर दौड़ लगा रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, तमाम चीज़ करने के बावजूद जब उन्हें अंत में पता चलता है कि जो ये अग्निपथ स्कीम आ गया, जो जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे, जो उनके जेहन में था, जो कि देश की सेवा करेंगे, सेना में भर्ती होंगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनका सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा। कई लोग ऐसे भी मिले हमें जो जिनका बहुत सारा टेस्ट हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बाद उनका क्या होगा ये सब क्लियर नहीं है इस पूरे प्रकरण में। इसलिए आपको आक्रोश सबसे ज़्यादा बिहार से दिखाई दे रहा है। आप चाहे वो बक्सर में कल भी हंगामा हुआ था, आज भी हंगामा हुआ है, पूरा ट्रेन परिचालन अस्त व्यस्त है। आरा में तो हद ही हो गई, लोगों ने पूरे स्टेशन को तहस नहस कर दिया है जो आंदोलनकारी है। मैं ये नहीं कहता कि सब छात्र ही है, कुछ असामाजिक तत्व भी हैं उसमें, जो जानकारी मिल रही है। आपने देखिए आरा का जिक्र किया, वहां से हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास लौटूंगा। रोहित, जरा आरा की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर लूटपाट वाली स्थिति बन गई थी, बड़ी संख्या में हमने देखा। क्या ये सभी छात्र थे या इसमें कुछ और लोग भी, शरारती तत्व भी इन्वॉल्व हो गए थे? जरा बताइए पूरी खबर। शुभंकर, इस वक्त हम आरा पहुंच चुके हैं, 2-3 मिनट के अंदर हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे रेलवे स्टेशन की, लेकिन जो हालात हैं वो यहाँ पर बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही, यानी कल पहला दिन था और आज दूसरे दिन लगातार हमने देखा किस तरीके से आरा जो है एक एपिसेंटर बनकर सामने आया है। पूरा उग्र प्रदर्शन जो युवाओं का देखने को मिल रहा है ये अग्निपथ पॉलिसी को लेकर, और आज सुबह से ही आरा रेलवे स्टेशन पर धावा बोल दिया था आक्रोशित युवाओं ने, और लगातार ट्रेन के पटरियों पर बैठे थे, नारेबाजी कर रहे थे, कई मोटरसाइकिल्स को आग के हवाले कर दिया, रेलवे स्टेशन को कह सकते हैं एक तरीके से पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है, कई दुकानों को जो है तोड़फोड़ किया है और उसमें जो है सामान जो है वो लूट लिया है, और प्रशासन बिल्कुल असफल एक तरीके से कहें तो मैं नजर आ रहा था इन उग्र छात्रों को
संभालने में, रोकने में, क्योंकि तकरीबन हजारों की संख्या में ये छात्र जो थे वो सुबह से ही आरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे और धावा बोल दिया था और पत्थरबाजी लगातार उन लोगों ने की है प्रशासन पर। जो भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की जा रही थी। और साथ ही आरा के साथ साथ भोजपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर, नवादा, मुंगेर, सहरसा, इन सभी जिलों में, वैशाली, इन सभी जिलों में आज हिंसक प्रदर्शन सुबह से देखने को मिली है और जगह जगह पर ट्रेन परिचालन को जो है वो सब बाधित किया गया। कई जगह ट्रेन घंटों लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब आप गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो जरा ये बताइए कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हो कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, आरा की सड़कों पर इस वक्त माहौल कैसा है? और अगर कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट हो सके तो एक बार जरा वो तस्वीरें भी दिखाते चलिए हमें सड़क पर, जो आप ट्रेवल करते गाड़ी से जा रहे हैं, कि क्या माहौल है, क्या वहां पर सन्नाटा है, भीड़ है, स्थिति क्या है? क्योंकि दर्शक देखना समझना चाहता है वहां स्थिति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आरा की ही तस्वीर अब दिखाता हूं। हम बिल्कुल अब रेलवे स्टेशन के पास यहां पर पहुंच चुके हैं। हम आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर की तस्वीरें शुभांकर दिखाएंगे, लेकिन हम सड़क की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो सड़क पर तो है जो सामान्य जो है जनजीवन जो है वो चल रहा है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है वो कहीं ना कहीं निशाने पर था। एक तरीके से सोची समझी आप कह सकते हैं, साजिश भी से कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन को जो है वो निशाना बनाया गया और सुबह से ही वहां पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। जो बुकिंग रेलवे बुकिंग सेंटर है उसको वहां पर तोड़फोड़ की गई है और लगा दुकानों में जो है उसे भी तोड़फोड़ किया गया है। रोहित आप वहां पहुंचिए, हम आपके पास फिर वापस आएंगे। दो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। छपरा में ट्रेन में आग लगाई गई है, आरा में लूटपाट मची हुई है और उसके अलावा कई और जगहों पर भी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जा रहा है कि तमाम वो छात्र थे जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें अग्निपथ स्थिति के बारे में पता चला तो वो नाखुश हो गए और उसके बाद यहां पर ये तस्वीरें आ रही है। अब हम आपको जयपुर लेकर चलते हैं। जयपुर में हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ हैं। शरद, जहां पर आप मौजूद हैं आपके पीछे हमें बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, जरा बताइए जयपुर से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वहां की आवाज क्या कह रही है? शुभंकर, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। लगातार सुबह से ही पुतले फूके जा रहे हैं केंद्र सरकार के नेताओं के, और जो बेरोजगार हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीकर से हिंसक प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं जहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। इसके अलावा कल से ही देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भले ही देश के दूसरे राज्यों में प्रदर्शन हो रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा सेना में कोई सेलेक्ट होता है तो राजस्थान से होता है और जो सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, यहाँ पर तो घर घर में लोग, बच्चे जब तैयार होते हैं तो सेना में जाने के लिए ही तैयार होते हैं। और इस तरह का माहौल है कि पूरे राजस्थान में शहर दर शहर में प्रदर्शन चल रहा है। ये कलेक्ट्री का नजारा है, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक ये बच्चे आज सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं और राजस्थान के सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। करीबन राजस्थान में करीब 1 लाख तो केवल डिफेंस की अकेडमियां हैं जहां पर लाखों बच्चे यहां पर तैयारी करते हैं और ये लगातार कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे हम। आप सर 4 साल से तैयारी कर रहे हैं हम सेना की, 1 साल तो हम फिजिकल की तैयारी करते हैं, फिर ग्राउंड फिट होते हैं, फिर मेडिकल फिट होते हैं। 1 साल से हमें गुमराह किया जा रहा है कि एग्जाम होगी। जय हिंद साथियों, मोदी सरकार का जो ये फैसला है ये बहुत ही घातक फैसला है। युवा दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, मोदी सरकार को समय रहते ये फैसला वापस लेना चाहिए, नहीं साझापुर बॉर्डर को जाम किया जाएगा आगामी दिनों में।